What's up guys, welcome back to our channel. So today I'm going to react on last episode promo of Ye Dil Mera. Finally last episode ka promo aa gaya. Matlab beech mein se kuch episodes ne matlab aapka BP jo hai wo shoot up kar sakta hai. Ye ek aisa drama hai, lekin khair jo bhi hai, ye drama mujhe bahut hi zyada pasand aaya hai. Bahut hi zyada, matlab aise drama bahut kam hote hain aur suspense wale ज़्यादातर लोग बनाते हैं सास बहू और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त था और मुझे बहुत ही पसंद आया. और तुम लोगों को कैसा लगा ये ड्रामा ये कमेंट सेक्शन में जाके अभी से बता दो और वीडियो को लाइक कर दो. खैर, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था और मैंने सोचा कि चलो यार इसका लास्ट एपिसोड है तो इस पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 मिनट में ना पूरी स्टोरी आप लोगों को मतलब शॉर्टकट में बता दूँगा. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. मतलब मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम लोगों को शॉर्टकट में बताऊं, लेकिन कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हो नहीं पाया मेरे से, सच में यार. तो खैर यार, हम रिएक्शन देते हैं लास्ट एपिसोड में फाइनली, सो लेट्स चेक इट आउट. Episode 33 is last. गरियाबाग से गरियाबाग तक का सफर खत्म हुआ. मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी. तुम्हारी मजबूरियां खत्म हो, तुम्हारे बदले पूरे हो और इनके साथ साथ तुम्हारी क्यों सब कुछ तो अब नॉर्मल हो गया, सब कुछ सब राज तो खुल गया. अब तो मेरे कॉफी की चाबी है. कहेगा कि अगर वो वहाँ जा सके तो मुझे खुशी होगी. अजीब शख्स हूँ. क्या हो गया? एक मिनट, ऐसा सीन एक और ड्रामे में भी है इन दोनों का, यकीन का सफर. अगर किसी ने देखा है तो एग्जैक्टली ऐसा ही लास्ट एपिसोड में. ओ ओके भाई, एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाले, मैं पहले से बता रहा हूँ. तो ये था लास्ट एपिसोड का प्रोमो 33, और लास्ट में जो सीन था हॉस्पिटल वाला, ये एग्जैक्टली यकीन का सफर ड्रामे में भी था. और उस ड्रामे में तो इन्होंने लास्ट एपिसोड में सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो मैं भी शायद परहैप्स के इसके लास्ट एपिसोड में भी ये ऐसा कुछ कर दे, बट कह नहीं सकते. और मीर फारूक का तो कोई क्लिप दिखाया नहीं, सो उसके साथ क्या हुआ ये तो हम सब वेट कर रहे हैं कि उस धरिंदे के साथ क्या हुआ. खैर, अगर आप लोग ये ड्रामा देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोग इस ड्रामे को कितना फॉलो करते हो और कितना पसंद है ये ड्रामा. और इसके अलावा अगर एक्टिंग की बात की जाए तो हर छोटा बड़ा किरदार जो इस ड्रामे में है ज़बरदस्त एक्टिंग निभाई है यार. मतलब मेन करेक्टर्स लेकिन जो साइड करेक्टर्स हैं और उन्होंने भी यार ज़बरदस्त एक्टिंग की है. और सबसे ज़्यादा जो एक्टिंग मुझे पसंद आई है वो है अहद रज़ा मीर और सजल अली. इन दोनों ने मतलब सुपर यार, सुपर जितनी तारीफ़ की जाए कम है. और डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और बहुत कुछ यार इस ड्रामे में है जो परफेक्ट है यार. मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं है, बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन ये ड्रामा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है. बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा ड्रामा आया है जो ज़बरदस्त है यार, सीरियसली. अब तुम लोगों का पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को ये ड्रामा कितना पसंद आया है और कितना वेट कर रहे थे लास्ट एपिसोड का, ये भी कमेंट सेक्शन में जाके बता दो. और बस यार इतना ही था. वैसे मैं एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं 2-3 मिनट में पूरी स्टोरी आप लोगों को सुना दूँ, लेकिन दिस इज़ इम्पॉसिबल यार, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की बट मेरे से नहीं हो पाया. और इस ड्रामे का OST, ओ माय गॉड यार, सुपर. मैंने इतना ढूंढा ना इस ड्रामे का OST कि मुझे पूरा मतलब एक क्लिप मिल जाए 4-5 मिनट का, बट मुझे कहीं पर भी कोई भी वेबसाइट पर नहीं मिला. यूट्यूब पर तो है ही नहीं. इन्होंने ऑफिशियली कोई एक 1.5 मिनट, दो ऐसे एपिसोड्स, सॉरी क्लिप्स
अपलोड किए हैं, बस इसके अलावा किसी जगह पर भी OST नहीं है यार, प्लीज़ अपलोड कर दो, 4 मिनट 5 मिनट पूरी OST अपलोड कर दो। अगर किसी को पता है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो या लिंक वगैरह भेज दो, मैं वहाँ से डाउनलोड कर लूँ। मुझे बहुत पसंद है यार इसकी OST, सो प्लीज़ इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसकी OST कैसे लगती है। मुझे तो OST भी बहुत ब्लॉकबस्टर लग रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करना मत भूलना यार, और 1K करवाओ यार, 1K सब्सक्राइबर्स करवाओ मेरे जल्दी से, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।